सोमवार से शहर में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार का दौर जोर शोर से जारी है। प्रचार के लिए तमाम पार्टियां अपने मतदाताओं को रिझाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। कल शाम कांग्रेस पार्टी के लोकसभा प्रत्याशियों के प्रचार हेतु कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी नागपुर पहुंचे थे। लोकसभा चुनाव के 2019 का प्रचार करने के लिए महाराष्ट्र के नागपुर में पहुंचे राहुल गांधी ने जनसभा संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर जमकर हमला किया। राहुल गांधी ने कहा, हमारी पार्टी सत्ता में आने के बाद सबसे पहले राफेल डील की जांच करेगी। उन्होंने कहा, राफेल डील में कोई छोटी मोटी चोरी नहीं हुई है। मैं आपको बता रहा हूँ कि चुनाव के बाद इसकी जांच होगी और जेल में होगा दूसरा चौकीदार। तीनों चीफ मिनिस्टर ने दो दिन में किया और सीधा पैसा बैंक अकाउंट में गया। जाइए छत्तीसगढ़, जाइए मध्य प्रदेश, राजस्थान, जाइए पूछ लीजिए। छत्तीसगढ़ में 2500 रुपए धान के लिए दिया जा रहा है। जमीन अधिकरण बिल में हमने लिखा था, किसान से जमीन बिना पूछे नहीं ली जा सकती। मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा पैसा उसे मिलेगा। और अगर जमीन ली गई और इंडस्ट्रियलिस्ट ने 5 साल के अंदर इंडस्ट्री नहीं लगाई, काम शुरू नहीं किया, तो वही जमीन किसानों को वापस दी जाएगी। तो ये बात बात तो नहीं है। आपने जमीन इंडस्ट्री के लिए ली तो इंडस्ट्री बनाइए, पूरी मदद करेंगे। मगर अगर 10-15-20 साल इंडस्ट्री नहीं लगी तो फिर किसान को उसकी जमीन वापस देनी पड़ेगी। कानून छत्तीसगढ़ में जाइए पूछिए, बस्तर में क्या हुआ, किसानों की जमीन, आदिवासियों की जमीन उनको वापस दी गई, क्योंकि टाटा कंपनी ने वहां 5 साल में कुछ नहीं किया। तो मैं यहां से न्याय की बात कर रहा हूं, मुझे न्याय में इंटरेस्ट है। आप 3.5 लाख करोड़ रुपए 15 लोगों का मार कर सकते हो, तो फिर आप किसान का क्यों नहीं मार करोगे? अनिल अंबानी का 45,000 करोड़ रुपए कर्जा है। कुछ ही दिन पहले वो जेल जा रहा था। अखबार में आपने पढ़ा होगा, जेल जा रहा था, उनके भाई ने पैसा लेकर उनको जेल से बचाया। तो आप मुझे समझाइए, दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट है, सबसे बड़ा, यहां उनको जमीन दी गई, किसने करी थी? राफेल की हवाई जहाज को बनाने वाली कंपनी ने करी, तो उसको दी। पूरा इनोग्रेशन हुआ, यहां गडकरी जी गए धूम धाम से, अनिल अंबानी जी उनके साथ, 45,000 करोड़ रुपए कर्जा, जेल, जिंदगी में हवाई जहाज नहीं बनाया इसने, एक हवाई जहाज नहीं बनाया। तो इसको कॉन्ट्रैक्ट क्यों मिले? विदर्भा के किसी युवा को क्यों ना मिले? विदर्भा के किसी किसान के बेटे को क्यों ना मिले? विदर्भा के किसी मजदूर को क्यों ना मिले? उसने क्या किया है? राहुल गांधी ने मोदी पर हिंदुत्व का गलत संदेश देने और गुरु लाल कृष्ण आडवाणी का अपमान करने का आरोप लगाया। राहुल ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी हमें हिंदू धर्म न सिखाए, उन्होंने अपने गुरु आडवाणी को पार्टी से बाहर फेंक दिया है। उन्होंने अपने गुरु का अपमान किया है और यह हिंदू धर्म नहीं सिखाता। हिंदू धर्म में गुरुओं और बड़े जनों का सम्मान करना सिखाया जाता है। चुनाव के बाद इंक्वायरी होगी, जेल में दूसरा चौकीदार होगा, किया।
उसने लिखा है, हिंदू अखबार पढ़ी उसने लिखा है कि नरेंद्र मोदी डायरेक्टली फ्रांस के लोगों से बात कर रहा है और हमने जो काम किया 8 साल का नेगोशिएशन किया उसको रद्द कर दिया है। सामने का पूरा प्रोसीजरल प्रोसीजर नष्ट कर दिया नरेंद्र मोदी ने, तो कार्रवाई तो होगी और बचेंगे नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। हुआ गया, चौकीदार ने चोरी की, डिफेंस मिनिस्टर कहता है प्रेस के हमारे मित्रों ने उसे पूछा, भैया ये जो नई डील हुई है इसके बारे में क्या सोचता, कहता है मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, आप डायरेक्टली नरेंद्र मोदी जी से पूछिए, मैं नहीं जानता। राहुल ने रैली में आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लड़ाकू विमान खरीदने के सौदे में बदलाव किया जिसकी वजह से इसके दाम बढ़ गए। राहुल गांधी ने कहा, रक्षा मंत्रालय का दस्तावेज बताता है कि नरेंद्र मोदी ने मूल सौदे में बदलाव किया और एक विमान 1600 करोड़ रुपए में खरीदा। इस दौरान राहुल गांधी ने पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को राफेल सौदे में भ्रष्टाचार होने की बात पता होने का दावा किया। पैसा निकला, गायब हुआ, आपने चीजें खरीदनी शुरू कर दी, पहले आप खरीदते थे शर्ट, मोबाइल टेलीफोन, आपकी जो परचेसिंग पावर थी वो कम हो गई, हिंदुस्तान की फैक्ट्रिया बंद हो गई, बेरोजगारी बढ़ गई, तो 72,000 का दूसरा लक्ष्य है कि अब जैसे ही आपके जेब में पैसा डालेंगे आप माल खरीदना शुरू करोगे, शर्ट पैंट टेलीफोन कैमरा जो भी आप खरीदोगे, और जैसे ही आप माल खरीदना शुरू करोगे हिंदुस्तान की फैक्ट्रिया धड़ाम से जंप स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे ही फैक्ट्रिया जंप स्टार्ट होगी उन्हीं फैक्ट्रियों में आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा। ये कांग्रेस पार्टी की सोच है, गहरी सोच है, चाहे मनरेगा हो, भोजन का अधिकार हो, 72,000 रुपए हर बैंक अकाउंट में, ये सब सोचने के बाद हम काम करते हैं। हम नरेंद्र मोदी जैसे नहीं है, 8 बजे रात को भुजबल जी ने कहा 500 रुपए 1,000 रुपए के नोट को रद्दी कर दो, यहाँ आरबीआई की बिल्डिंग है, मैं इनसे पूछे, एक्सपर्ट से ये लोग सब कुछ जानते हैं, 2 मिनट इनसे पूछ लिया होता, यहाँ नागपुर आ गए, हाँ नरेंद्र मोदी जी बैठे होते, कहते हैं भैया मेरे दिमाग में आइडिया आया है 500 रुपए 1,000 रुपए का मैं रद्दी करना चाहता हूँ, इसी ऑफिस में लोग कहते थे भैया बेवकूफी मत करो, बेवकूफी मत करो, बढ़ जाएंगे सब लोग, इनको छोड़ो आरबीआई को छोड़ो, यहाँ कहीं स्कूल में चले जाते हैं 12 साल के बच्चे से पूछते भैया मैं हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हूँ, मेरे दिमाग में क्या आया है, मैं सोच रहा हूँ 500 रुपए 1,000 रुपए का नोट रद्दी करने का सोच रहा हूँ, 12 साल का बच्चा हूँ, जहाँ छोटे कहता भैया गुरु जी ऐसे मत करिए मर जाएंगे सब लोग, मगर ये प्रधानमंत्री को नहीं समझ आती, मैं आपको बात नहीं समझ आती उनको, मैंने उनसे कहा है भ्रष्टाचार भी डिबेट कर लो, नेशनल सिक्योरिटी भी डिबेट कर लो, मैं तैयार हूं, आप प्रधानमंत्री हो, हम ऑपोजिशन के हैं, आप देश के सामने। मैंने कांग्रेस के कुछ नेताओं से सलाह ली, उनसे कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाए बिना गरीबों के खाते में कितना पैसा डाला जा सकता है। मैंने उन्हें समय निकालकर अध्ययन करने के लिए कहा, जिसके बाद मुझे 72,000 रुपये की संख्या मिली। पी चिदंबर ने मुझे 72,000 का आंकड़ा दिया, इसलिए मैंने हर खाते में 72,000 डालने का आश्वासन दिया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आप उनके भाषण सुनिए,
बहाने, भाषण नहीं है, बहाने। और मेरा भाषण सुन लीजिए, पिछले 15 सालों से मैं राजनीति में हूं और मुझे आप एक वायदा दिखा दीजिए, एक जो मैंने पूरा ना किया, आप एक दिखा दो मुझे। भोजन का अधिकार इन तीन स्टेट्स में, किसानों का कर्जा माफ, कर्नाटक में कर्जा माफ, पंजाब में कर्जा माफ। और उनको सुनिए, वो अपने शब्द है, कुछ नहीं होने वाला। ये आपके सामने चॉइस है, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, नहीं बोल सकता, मैंने बोला रिश्ता बनाना है। मैं जानता हूं मगर जो विदर्भ है, मेरे मन दबा दबा जो विदर्भ है। राहुल गांधी ने इस दौरान नागपुर लोकसभा के आघाड़ी उम्मीदवार नाना पटोले और रामटेक लोकसभा के उम्मीदवार किशोर गजबिये को भारी मतों से चुनकर लाने की अपील भी की है। कैमरामैन सचिन के साथ सनी भोंगाड़े, जीटीपीएल न्यूज 24 के लिए।